नमस्कार, मैं हूँ प्रभा और आप देख रहे हैं इंडियन आर्मी जीके गाइड। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में और हम हाजिर हैं एक नई वीडियो के साथ जो कि टॉप 40 करेंट अफेयर्स से संबंधित है और रेलवे एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आप इस वीडियो को अंत तक देखिए। अंत में हम आपसे पूछेंगे कुछ सवाल और उनके जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में टाइप कर जरूर सेंड कीजिएगा। साथ ही साथ हम उन सवालों के जवाब भी बताएंगे जो आपसे हमने पिछली वीडियो में पूछ रखा था। और हमारा यह वीडियो लाने का मेन मकसद है कि आपको कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस कवर करवाए जा सके, क्योंकि फुल डिस्कशन के साथ हमने बहुत सारी वीडियोस अपलोड कर रखी हैं। सो हम इनको वन लाइनर ही लेके आए हैं। चलिए नेक्स्ट, पहला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व महासागर शिखर सम्मेलन 2018 में कहाँ आयोजित किया गया? तो आपका आंसर हो जाएगा मैक्सिको में। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुनिया का सबसे बड़ा हथियार निर्यातक देश कौन है? तो आपका आंसर हो जाएगा यूएसए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व खुशहाली सूचकांक 2018 में भारत का स्थान कौन सा है? तो आपका आंसर हो जाएगा 133वां। नेक्स्ट क्वेश्चन, सौर ऊर्जा से 100% संचालित भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो आपका आंसर हो जाएगा दीव। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, 27वें सुल्तान अजलन शाह कप किस देश ने जीता? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया ने जो है 27वां सुल्तान अजलन शाह कप जीता है। और आपको बता दें कि ऑस्ट्रेलिया जो है हाल ही में ऑस्ट्रेलिया में इच्छा मृत्यु कानून पारित किया गया है। और इससे जुड़ा एक और क्वेश्चन जान लेते हैं कि हाल ही में किस देश में समलैंगिक विवाह को मान्यता दी गई है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय से सदस्यता वापस लेने वाला देश कौन है? तो आपका आंसर हो जाएगा फिलीपींस। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार ने किस बैंक से रेलवे ट्रैक डबल ट्रैकिंग और विद्युतीकरण के लिए 120 मिलियन डॉलर रुपए पर समझौता किया है? तो आपका आंसर हो जाएगा एशियाई विकास बैंक यानी कि एडीबी। और बता दें आपको कि एशियाई विकास बैंक यानी कि एडीबी का हमेशा आपसे मुख्यालय पूछ दिया जाता है, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा मनीला में। फिलीपींस की राजधानी मनीला में इसका जो है मुख्यालय है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का पहला जिला जहां 100% सौर ऊर्जा से संचालित प्राथमिक केंद्र रखने वाला शहर कौन सा है? तो आपका आंसर हो जाएगा सूरत। यानी कि सूरत जो है भारत का पहला ऐसा जिला है, सूरत का कोई ऐसा जिला है जो भारत का पहला ऐसा जिला है जो 100% सौर ऊर्जा से संचालित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र रखा हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दुनिया का सबसे लंबा पैदल पुल का शुभारंभ किस देश में किया गया है? तो आपका आंसर हो जाएगा स्विट्जरलैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईरान के चबहार बंदरगाह किस देश के सहयोग से विकसित किया जा रहा है? तो आपका आंसर हो जाएगा भारत के। देखिए, चबहार पोर्ट जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये भारत की सहायता से, भारत के सहयोग से विकसित किया जा रहा है और यह विदेशी बंदरगाह है, इसलिए ये और भी इम्पोर्टेंट बन जाता है। इससे क्वेश्चन जो है एएलपी टेक्नीशियन में भी पूछा गया है और पिछले जो 2 बीपीएससी के एग्ज़ाम हुए थे, सीडीपीओ का और 63rd बीपीएससी जो हुआ था उसमें भी पूछा गया था इस क्वेश्चन को, तो आप ध्यान देंगे इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाकिस्तान के ग्वादर बंदरगाह को किस देश ने विकसित किया है? तो आपका आंसर हो जाएगा चीन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, चीन ने अपना पहला विदेशी बेस कहाँ स्थापित किया है? तो आपका आंसर हो जाएगा जिबूती में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, हमराज मोबाइल ऐप किससे संबंधित है? तो आपका आंसर हो जाएगा इंडियन आर्मी से। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का सबसे छोटा मिसाइल का नाम क्या है? तो आपका आंसर हो जाएगा सूक्ष्म, जो कि जापान का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे छोटा मिसाइल कौन सा है? तो आपका आंसर हो जाएगा कलाम। नेक्स्ट क्वेश्चन, सलमा डैम किस देश में है? तो आपका आंसर हो जाएगा अफगानिस्तान में।
नेक्स्ट क्वेश्चन, 63वें फिल्म फेयर पुरस्कार 2018 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किस फिल्म को दिया गया? तो आपका आंसर हो जाएगा हिंदी मीडियम को। नेक्स्ट क्वेश्चन, 63वें फिल्म फेयर पुरस्कार 2018 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे दिया गया? तो आपका आंसर हो जाएगा इरफान खान को। नेक्स्ट क्वेश्चन, 63वें फिल्म फेयर पुरस्कार 2018 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसे दिया गया? तो आपका आंसर हो जाएगा विद्या बालन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 63वें फिल्म फेयर पुरस्कार 2018 में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का अवार्ड किसे दिया गया? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अश्विनी अय्यर तिवारी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईफा पुरस्कार 2018 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे दिया गया? तो आपका आंसर हो जाएगा तुम्हारे सुल्लू को। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईफा अवार्ड 2018 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे दिया गया? तो आपका आंसर हो जाएगा इरफान खान को। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईफा अवार्ड 2018 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड किसे दिया गया? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा श्रीदेवी को। हमारा अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2018 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे दिया गया? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा विलेज रॉक स्टार्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2018 में सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का पुरस्कार किसे दिया गया? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा न्यूटन को। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2018 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे दिया गया? तो आपका आंसर हो जाएगा रिद्धि सेन बंगाली को। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2018 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसे दिया गया? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा श्रीदेवी को। अगला क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2018 में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार किसे दिया गया? तो आपका आंसर हो जाएगा जयराज को। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में दादा साहब फाल्के पुरस्कार का विजेता कौन है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा विनोद खन्ना। और आइए जान लेते हैं कि दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित प्रथम अभिनेत्री कौन थी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा देविका रानी रोरिक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऑस्कर पुरस्कार 2018 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे दिया गया? तो आपका आंसर हो जाएगा सेफ ऑफ वाटर को ऑस्कर पुरस्कार 2018 का सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार दिया गया, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑस्कर पुरस्कार 2018 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे दिया गया है? तो आपका आंसर हो जाएगा गैरी ओल्डमैन को। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑस्कर पुरस्कार 2018 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसे दिया गया है? तो आपका आंसर हो जाएगा मैकडोरमंड को ऑस्कर पुरस्कार 2018 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑस्कर पुरस्कार 2018 में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार किसे दिया गया है? तो आपका आंसर हो जाएगा गुइलेर्मो डेल टोरो को। अगला क्वेश्चन है हमारा, बाफ्टा पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किस फिल्म को दिया गया? तो आपका आंसर हो जाएगा थ्री विलियर्स आउटसाइड एवलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाफ्टा पुरस्कार 2018 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे दिया गया है? तो आपका आंसर हो जाएगा गैरी ओल्डमैन को। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाफ्टा पुरस्कार 2018 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसे दिया गया है? तो आपका आंसर हो जाएगा मैकडोरमंड को। अगला क्वेश्चन, बाफ्टा पुरस्कार 2018 में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार किसे दिया गया है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा गुइलेर्मो डेल टोरो को। कुछ क्वेश्चंस जो है रिपीट हो गए हैं, तो उसके लिए आप माफ़ करेंगे हमें, वैसे अच्छा रहता है, आपका रिवीजन भी हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में साहित्य के नोबेल पुरस्कार विजेता कौन है? यानी कि ये 2017 के अनुसार आपको डाटा दिया गया है, जो भी 2018 के हैं उनको तो मेंशन कर दिया गया है।
तो आप 2017 के अनुसार जो 2017 के वर्तमान का पूछ रहा है। चलिए देखिए, वर्तमान में यानी कि 2017 के साहित्य के नोबेल पुरस्कार विजेता कौन है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा काजू इसी गुरु को। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में शांति के नोबेल पुरस्कार विजेता कौन है? ये भी 2017 का है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा आई कैन को। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये भी 2017 से है कि अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किसे दिए गया? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा रिचर्ड एच थेलर को। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, आपने इस वीडियो को अंत तक देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा कल का पहला सवाल था कि 2017 के साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसको दिया गया, जो आपको आज के वीडियो में मिल चुका है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा काजू इसी गुरु को। और हमारा आज कल का दूसरा सवाल था कि भारत के 18वें अटॉर्नी जनरल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो आपका आंसर हो जाएगा के वेणुगोपाल को। हमारा आज का पहला सवाल कि 2017 का बुकर प्राइस किसे दिया गया है? और हमारा आज का दूसरा सवाल है कि फ्रेंच ओपन 2017 किसने जीता है? आप इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर्स, राइट आंसर्स हमें कमेंट बॉक्स में टाइप कर जरूर सेंड कीजिएगा। आप राइट आंसर कमेंट करते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है। और दोस्तों, यदि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में और सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को, ताकि हमारी अपकमिंग वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आपको आसानी से मिलती रहें और आप हमारी वीडियोज़ का लाभ उठाते रहें। और यदि आपको कोई भी प्रॉब्लम होता है उसके लिए हम आपको एक नंबर देना चाहेंगे, 7903918066। नंबर हमारा एक बार फिर से 7903918066। कोई भी ऐसा प्रॉब्लम होता है जो पढ़ाई से संबंधित है और आपको लगता है कि हम सॉल्व कर पाएंगे, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, हम ज़रूर कोशिश करेंगे। हमारा एक ऐप है करेंट जीके गाइड, आप उस पर हर रोज़ सुबह 8 बजे 40 प्रश्नों का टेस्ट देकर अपना लेवल चेक कर सकते हैं। तो आप यदि अभी तक डाउनलोड नहीं किए हैं तो आप जाके उसको प्ले स्टोर में जाकर डाउनलोड कर लें और आप टेस्ट देकर अपना लेवल चेक जरूर करें।